अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और गाइस, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ इन्फिनिक्स नोट 11 की 0 to 100 चार्जिंग के टाइम लैप्स। और ये टाइम लैप्स मैंने खुद रिकॉर्ड किए हैं अपना, मेरे पास जो मोबाइल है इन्फिनिक्स नोट 11 उसके। और मैंने सोचा आप लोगों के साथ इस एक्सपीरियंस को शेयर किया जाए कि आप लोग अगर इस मोबाइल को बाय करते हो या फिर आप इन्फिनिक्स नोट 12 को बाय करते हो, क्योंकि उसकी स्पेसिफिकेशंस भी बिल्कुल सेम इसके वाली हैं, जो उसका हीलियो G88 वाला वेरिएंट है वो वाला, तो आप लोगों को कितना टाइम लगेगा अपने मोबाइल को फुल चार्ज करने में। तो आज की वीडियो में ये एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर हो जाएगा, तो आपने इस वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना है। तो बात करते हैं कि इस मोबाइल के साथ कितनी चार्जिंग आती है। तो यहाँ पे आप लोगों को 33 वाट का चार्जर, फास्ट चार्जर देखने को मिलता है, जो कि कंपनी क्लेम करती है कि 1 घंटा 10 मिनट में आपके जो मोबाइल है उसको 0 से 100 तक फुल चार्ज कर देता है। लेकिन आज की वीडियो में आप लोगों के सामने सारी हकीकत खुल जाएगी कि क्या ये मोबाइल 1 घंटा 10 मिनट में चार्ज करता है या फिर इसको ज़्यादा टाइम लगता है चार्ज करने में। तो यहाँ पर मैं आपको पहले बता दूं कि मैंने मोबाइल को ऑफ़ करके चार्ज किया है, क्योंकि जो कंपनी टाइम क्लेम करती है वो भी वो मोबाइल को ऑफ़ करके टेस्ट करते हैं, ऑन करके टेस्ट नहीं करते। क्योंकि जब हम लोग मोबाइल को ऑन करके टेस्ट करते हैं तो उसके साथ काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस और भी चल रहे होते हैं, जिस वजह से टाइम पर फ़र्क पड़ सकता है। तो इसीलिए टेम्परेचर की वजह से भी फ़र्क पड़ता है कि टेम्परेचर कितना है, तो इसीलिए मैंने इस मोबाइल को ऑफ़ करके चार्ज किया है। तो अब हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे और टाइम लैप्स आपको दिखाएंगे कि कितनी देर में मोबाइल चार्ज होता है। तो आपने इस वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। तो अभी हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं।